हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको पीरियड से रिलेटेड मिथ्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इतने सारे टैबूज हैं, इतने सारे मिथ्स भरे पड़े हैं कि हाय रे कान पक जाते हैं, लेकिन आज हम आपके सारे मिथ्स दूर करने जा रहे हैं। तो हिमानी जी हमारे साथ हैं जो हमसे सारे मिथ्स के बारे में पूछने जा रही हैं। मैम, सबसे पहला मिथ है कि पीरियड्स आर ऑलवेज रेगुलर टू द वुमेंस। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। आप सोचिए, यदि करोड़ों लेडीज का पीरियड एक साथ एक टाइम पर आने लगा तो क्या होगा? सारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबका पीरियड एक जैसे टाइम पर, एक जैसी लेंथ के हो और एक जैसे इंटरवल पर आए। सबका एक बॉडी का वेरिएशन होता है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं हार्मोन्स के कारण। तो सबका टाइम एक जैसा एक साथ नहीं हो सकता। 21 दिन से लेकर 35 दिन तक पीरियड आना नॉर्मल माना जाता है, यानी कि जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो प्लस माइनस वन वीक हो सकता है, वो नॉर्मल ही काउंट होता है। 1 डे से लेकर 7 डेज तक जो भी पीरियड आता है वो नॉर्मल काउंट होता है। मैम, सेकंड जो मिथ है वो ये है कि पीरियड्स हमेशा 7 दिन के ही होते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अभी फिर से वही बात आ जाती है कि सबके 7-7 दिन तक पीरियड होने लगे तो बहुत सारी एनीमिक लेडीज़ होंगी। वैसे भी इंडिया के अंदर जो एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल है वो 9 ही है, तो 7 दिन तक पीरियड नहीं होते हैं। एवरेज पीरियड 3 से 5 दिन का होता है। प्री और पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है, यानी महीना आने से पहले और बाद में थोड़े थोड़े धब्बे आ सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फ्लो आता है वो 3 दिन तक आता है और 4th और 5वें दिन तक जनरली वो टेपर ऑफ हो जाता है, और उसके बाद में किसी किसी को बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकती है। दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। इसके अलावा जो भी है वो सब मिथ है, और मिथ पे से अपना फोकस हटा दीजिए। मैम, उसके बाद में है कि पीरियड्स में हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये भी एक तरीके से मिथ है, क्योंकि पीरियड्स एक रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे कि हर महीने होती है। और हर महीने यदि आप 3 से 5 दिन तक काम नहीं करती हैं या और कोई एक्टिविटी नहीं करती हैं, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो रुक सकता है। इसके साथ ही साथ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी रुक सकते हैं। तो एज सच बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप पीरियड्स के टाइम पे काम नहीं करें या प्रॉपर रेस्ट दें। बट किसी किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिसमेनोरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, और उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो काम कर पाएँ, तो डेफिनेटली उनको रेस्ट लेना चाहिए। बट आपका आवश्यक कार्य आप ज़रूर कर सकती है। हैवी एक्सरसाइजेस के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप ब्लीड कर रही होती है तो डेफिनेटली आपके शरीर से ब्लड का नुकसान हो रहा है, खून का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हैवी एक्सरसाइजेस आप ना करिए, लेकिन अपने रूटीन काम आप ज़रूर कर सकती हैं। मैम, उसके बाद में है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेग्नेंट नहीं होते। ये बिल्कुल सही है, ये मिथ नहीं है। पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जब प्रेगनेंसी नहीं होने का एक सूचक है महीना आना। क्योंकि जब भी हम महीना मिस हो जाता तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होगी, और जब महीना आ जाता है दैट मीन्स कि अंदर का जो लेयर था वो शेड ऑफ होके पूरा बाहर आ गया है। ऐसी स्थिति में हार्मोन्स बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे होते हैं। अंडेदानी के अंदर यानी ओवरीज के अंदर कोई अंडा नहीं बनता, कोई फॉलिकल नहीं होता, और यूट्रस अंदर से पूरा ब्लीड कर रहा होता, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। उसके बाद में है कि अगर सेक्सुअली एक्टिव है और अगर महीना नहीं आया तो इसका मतलब हम सिर्फ प्रेग्नेंट ही हैं क्या? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महीना नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं, बट एक मोस्ट कॉमन कारण है प्रेगनेंसी। यानी कि जब महीना नहीं आता है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होगी, इसलिए हम सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तब हम सोचते हैं कि कुछ और कारण होगा, और कारणों के अंदर PCOD हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया हो, थायराइड का लेवल डाउन चला गया हो, या और कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो हमें असेसमेंट के बाद पता चलती है। बट डेफिनेटली प्रेगनेंसी के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे महीना नहीं आता है। उसके बाद में है कि पीरियड्स के दौरान ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मेरी मर्जी, मैं ठंडे पानी से नहाऊँ या गर्म पानी से नहाऊँ, देर इज़ नो साइड इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ अ हॉट और कोल्ड वाटर। दैट मीन्स कि यदि आप ठंडे पानी से नहाते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके, और आप गर्म पानी से नहाते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट नहाना इम्पॉर्टेंट है, अपने शरीर की साफ सफाई रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोकल पार्ट्स को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं, वाटर से क्लियर साफ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ब्लड के क्लॉट्स आपके आसपास के एरिया पे जमा हो सकते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं। इसलिए बॉडी की केयर इम्पॉर्टेंट है, ठंडा या गर्म, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हाँ, उसके बाद में यही है कि पीरियड्स के दौरान नहाने से
आपका शरीर ठंडा हो जाता है तो नहाना नहीं चाहिए। ओ माई गॉड, यदि आप पीरियड्स के टाइम पर नहीं नहाएंगे तो डेफिनेटली आप पूरे ही ठंडे हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी गंदगी मच जाएगी और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में लैंड अप ना कीजिए, अच्छे से नहाइए, लोकल एरिया को, बॉडीज, अपनी बॉडी एरिया को क्लीन रखिए, साफ रखिए और हेल्दी रहिए। मैम उसके बाद में है कि पीरियड्स के दौरान खट्टे खाने से पेट दर्द ज़्यादा होता है। पीरियड्स के टाइम पे आप कैसा भी खाना खाइए, खट्टा खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हार्मोन चेंजेस के कारण क्रेविंग होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में होते हैं। जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी खट्टा खाने की इच्छा बोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा प्रेगनेंसी है, तो एक सिम्टम है। ऐसे ही पीरियड्स के टाइम पर भी हार्मोन चेंजेस के कारण किसी किसी लेडीज़ की या किसी लड़कियों की कुछ इच्छाएँ होती है कि किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्म अच्छा लगने लगता है, किसी को खट्टा है, किसी को मीठा, किसी को चॉकलेट, तो वो सब कुछ खा सकते हैं जो कि आपको अच्छा लग रहा है, जो कि आपको डिमांड में, बॉडी आपकी डिमांड कर रही है। उसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पर ये नहीं खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए। आप सब कुछ खाइए और पीरियड्स को इन्जॉय कीजिए, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ, सो वी कैन नॉट इग्नोर दैम, बट डेफिनेटली वी कैन एन्जॉय दैम एंड वी कैन मैनेज दैम। ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हम भगवान ने हमारे शरीर में एक ही प्रकार का ब्लड बनाया है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो प्रकार का ब्लड हो जाता है। कि यानी कि जब हम सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन जाती है तो जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं, उसको प्योर ब्लड बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी पार्ट से इकट्ठा होकर हार्ट की तरफ लंग्स में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन्स ने उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। बट डेफिनेटली पूरे यूट्रस में या पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में एक ही टाइप का ब्लड होता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है, और जो ब्लड लॉस हो रहा है वो हमारा अपना खुद का अच्छा वाला खून ही होता है, ब्लड ही होता है, जो कि लॉस नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि फीमेल्स हर महीना 80 से 100 ml जो ब्लड लॉस करती है उसी के कारण उनमें खून की कमी होती है, और जिनके पीरियड्स हैवी आते हैं तो उनमें तो खून की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि हम देखते कोई 4 ग्राम, कोई 5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे भी आता है, और कई बार तो शॉक में आती हैं लेडीज़, उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको निकाल दीजिए, कि हमारा कोई गंदा खून है हमारे शरीर में जो कि निकलता है हर महीना। दैट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर। जैसे बच्चा नहीं लगता तो जो यूट्रस के अंदर जो बच्चे को रिसीव करने के लिए जो तैयारी होती है वो शट ऑफ हो जाती है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इसलिए जो थोड़ा बहुत ब्लड और टिश्यू निकलता है वो एक महीना आने का नाम दिया गया है। बट इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ये हमारे बॉडी का ही पार्ट है जो कि नेचर ने बनाया है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट कोई अशुद्ध ब्लड या कोई गंदा ब्लड या जो भी फला फला आप कहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ब्लीडिंग नॉर्मल मात्रा में होना ही अच्छा है। अगर ये हैवी होती तो डेफिनेटली आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। If two women are staying together, that means their periods will sink. अगर दो महिलाएं साथ में रह रही हैं तो उनके पीरियड्स साथ में ही आएंगे। नो, ऐसा कैसे होगा? पीरियड्स तो इंडिविजुअल बॉडी की आइडेंटिटी है, उनका हार्मोन सिस्टम है, उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसी के हिसाब से आपके पीरियड्स आएंगे। कभी भी ऐसे तो घर में इतनी सारी लेडीज़ होती हैं, सिस्टर भी होती है, मदर भी होती है, बहू भी होगी, और भी कुछ हो, कोई भी कई लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हॉस्टल में तो इतनी सारी लड़कियां रहती हैं, अगर हॉस्टल में सारी लड़कियों के पीरियड एक साथ आने लगे तो सोचो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता, सबके अपने अपने बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसी के अकॉर्डिंगली पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स एक दूसरे के साथ रहने से सिंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि यूजिंग अ टैम्पून विल ब्रेक माय हार्मोन। डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रूथ, इट इज़ नॉट अ मिथ। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ वजाइना में इंसर्ट करते हैं जिससे कि आप अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक योर हाइमन। बट आज के ज़माने में हाइमन ब्रेकेज का ऐसा कुछ टैबू नहीं है कि अगर आपका हाइमन इंटैक्ट है और तो आपकी वो वर्जिनिटी का एक प्रूव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के लड़कियाँ सेक्सुअली एक्टिव भी हैं लेकिन इसके साथ ही साथ खेलने कूदने में बाकी कामों में भी काफ़ी आगे होती हैं। तो हाइमन रप्चर होना इज़ नॉट अ बिग डील एंड इट शुड नॉट बी अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। मेंस्ट्रुअल कप्स कैन इंक्रीज द साइज ऑफ माय वजाइना। यस, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज़ वजाइना के अंदर इंसर्ट करती हैं तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप या स्मॉल वाला यूज़ कर रही हैं और आपका हो सकता है कि आपका साइज़ जैसे स्मॉल है और आप मीडियम या लार्ज वाला कप यूज़ कर रही हैं समहाउ,
तो थोड़ा सा आपका वजाइना का साइज इंक्रीज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद में पीरियड्स नहीं आते हैं, मीनोपॉज का मीनिंग ही यही है, मीनोपॉज, मीनो मीनिंग महीना, पॉज यानी कि रुकना, जब महीने आना बंद हो जाते हैं उस स्थिति को हम मीनोपॉज कहते हैं। और इसका डेफिनेशन होता है कि जब आपको पूरा एक साल तक पीरियड नहीं आते हैं तब हम उसको मीनोपॉज कहते हैं, और ये जनरली 50 साल के आसपास होता है। अगर 50 से पहले होता है तो उसको पैरी मीनोपॉजल एज बोला जाता है, और 40 से पहले होता है तो उसको प्री मैच्योर मीनोपॉज कहा जाता है, यानी कि समय से पहले मीनोपॉज हो गया है। ओके,